रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। आपका क्या है, आप देखो, पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है, वो है 50 मीटर, उसकी डायमेंशन लिखनी है आपको, बाय 36 मीटर, ठीक है, ये देखना है। और उसके बाद देखना है सराउंडेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर पाथ बनाया हुआ है 2 मीटर वाइड। देखो 2 मीटर ये चौड़ा 2 मीटर हो गया। अब एक्सटर्नली है तो आप बाहर बनाओगे हर जगह से 2 मीटर, एक्सटर्नली 2 मीटर और ये 2 मीटर, बस आपको इन्हीं बातों पे ध्यान देना है, हो गया। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम है, इस वाले में हमें अंदर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन दे रखी है, बाहर वाले की निकालनी है, ठीक है। और एक जो पहले वीडियो अपलोड हो गई उसमें बाहर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन दे रखी थी और अंदर निकालना था, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि पाथ जो है वो इंटरनली है, तो इंटरनली है तो हम अंदर रेक्टेंगल बनाएंगे, एक्सटर्नली है तो हम बाहर रेक्टेंगल बनाएंगे। और इसमें एरिया ऑफ द पाथ क्या है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, फॉर्मूला ये हमें पता ही है। तो पहले हम लिखेंगे आउटर रेक्टेंगल, ओके। आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये आउटर रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ नहीं दी, सॉरी ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ नहीं दी, लेकिन ये हमें पता ही है कितनी है, 50। इधर से भी 2 प्लस हो गया और इधर से भी 2 प्लस हो गया, कितनी बन गई, 54। ये 2 प्लस कर दिया। अब ब्रेथ, ब्रेथ हमारी है 36 है ये, तो ये 2 और ये 2 प्लस कर दो तो बाहर की आ गई ना 40 आ गई। अब एरिया निकाल लो, एरिया इज 52 इंटू 40, ये मीटर स्क्वायर में आपके पास एरिया आ गया। अब हम लेंगे इनर रेक्टेंगल, अब इनर रेक्टेंगल की तो हमें दी है लेंथ 50, ब्रेथ 36, एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 50 इंटू 36। तो अब हमारा एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ तो वो होगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब आप आउटर का निकाल लेना, ठीक है ना, माइनस ये इनर का निकाल लेना और दोनों को आप माइनस कर दोगे, मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा। अब देखो आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, किसको लेवल करना है, पाथ। अगर पाथ को लेवल करना है तो हमें पाथ का एरिया चाहिए ये, तो और उसको 16 पर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 16 रुपीस लगते हैं, इसके आप बाद में क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट रुपीस 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पाथ, जो आपने एरिया ऑफ पाथ निकाला। कई क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ तो मैंने पाथ बना लिया लेकिन जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वहां पे कॉस्ट निकालो, मुझे ग्राफ लगानी है, तो ये देखना कि कहाँ का हमें एरिया निकालना है। तो अगर अंदर प्लेग्राउंड का निकालना है, लॉन का निकालना है, तो हम लॉन के एरिया से उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पाथ है तो इसलिए हम पाथ का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो मेरी वीडियोस में मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, यहां क्या है 54 और ये 54, ये कैलकुलेशन कभी कभी ठीक नहीं होती, इसी वजह से मैं यहां लेफ्ट छोड़ देती हूं कि भाई अपने आप ध्यान से कर लेना। एन ऑबलोंग गार्डन मेजर्स 60 मीटर बाय 55 मीटर, 60 मीटर बाय 55 मीटर दो डायमेंशंस दिए हैं, ऑबलोंग भी लिखा है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, सेंटर में जैसे ये है, सेंटर में दो पाथ जा रहे हैं और दोनों पाथ की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर वाइड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ये हमें एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे फिगर बनेगी, जब भी सेंटर का आए तो आपकी ये है, पहले हम ये रेक्टेंगल बना लेंगे 60 मीटर बाय 55 मीटर, अब बीच में सेंटर में ये देखो इस पाथ की लेंथ कितनी है 2 मीटर, इस क्वेश्चन में इस पाथ की लेंथ दे रखी है दोनों की 2 मीटर, लेकिन हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन भी चेंज दे दे, जैसे मैं कहूं कि जो पाथ है पैरेलल टू लेंथ है उसकी ये 3 मीटर है और जो पैरेलल टू ब्रेथ है उसकी विड्थ 2 मीटर है, तो
तो तब आप यहां क्या लिख दोगे? 3 मीटर। लॉजिक सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सेम भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। चलिए अब हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है। जो एरिया निकालना है क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है। देखो मैं इसे कैसे लिखूंगी, पाथ पैरेलल टू ब्रेड्थ, पाथ पैरेलल टू ब्रेड्थ, ये वाला लिया। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, देखो क्या रेक्टेंगल बन रहा है आपको वो बनाना है। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? ये रही 55। कुछ भी ले लो, इसे लेंथ भी लिख सकते हो, इसे ब्रेड्थ भी लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ब्रेड्थ कितनी है ये, और ये कितनी है? 2 मीटर। तो एरिया कितना आ गया? 55 × 2, 110 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं पाथ पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल, ये रहा लेंथ, उसके पैरेलल कौन सा पाथ है? ये। अब इसमें भी ये रेक्टेंगल बन रहा है। जो फिगर बन रही है वो बनाते जाओ, क्या होगा? लेंथ कितनी है? 60 मीटर, और ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। और अगर ये वाला क्वेश्चन होगा चेंज, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। दोनों में साथ साथ बता रही हूं। एरिया 60 × 2 कितना आया? 120 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या हम इन दोनों को प्लस कर दें? इसको हम ले लेते हैं A1 एरिया, इसको हम ले लेते हैं A2। तो क्वेश्चन ये है क्या हम इन दोनों को प्लस कर दें? तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखो, जब मैंने ये एरिया लिया, ये सारा पोर्शन आ गया, जब मैंने ये पैरेलल टू लेंथ वाला एरिया लिया, फिर सारा पोर्शन आ गया, लेकिन ये वाला पोर्शन बीच वाला दोबारा से आ रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, दो बार आ रहा है, तो वो हम दो बार नहीं लेंगे। तो उसमें हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, ये हम माइनस करेंगे। तो अब हम एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन कैसे निकालेंगे? ये वाला काम आप पहले कर लेना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, वो तुम्हें समझाने के लिए मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप पेपर में पहले ये निकालोगे ये, फिर ये। अब कॉमन पोर्शन ये बन रहा है, इसके क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना, ये भी टू, ये भी टू। और अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो हम ये 2 लेते और ये 3 लेते, तो 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर। तो अब आपका जो आ गया आंसर, वो आ गया 110 + 120 − 4। इसको सॉल्व करके आंसर दे देना, ये आपका कॉमन आ गया। देखो बाय चांस हमने जो क्वेश्चन किए हैं, जो पहले इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड, जो अब दो क्वेश्चन दिए, सब में रेक्टेंगल ही बन रहा है, लेकिन यहाँ आपका रेक्टेंगल नहीं, आपका स्क्वायर भी बन सकता है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल वाला लगाओगे, जो बन रहा है लॉजिक वही है, लेंथ ब्रेथ ये सब कॉमन है। जैसे मान लो अब एक आपका क्वेश्चन है, आपका स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर पार्क है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही साइड दी होगी 30 मीटर, तो सारी कितनी है? 30 मीटर। ओके, अब इसमें 1 मीटर पाथ है इनसाइड, इनसाइड है तो हम कहां बनाएंगे? अंदर। कहां बनाएंगे? अंदर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, हो गया। अब एरिया ऑफ द पाथ निकालना, तो क्या होगा एरिया ऑफ द पाथ? एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की जगह क्या आ गया? स्क्वायर। आउटर स्क्वायर तो 30 × 30 हो गया, इनर के लिए 1 + 1 = 2 माइनस करेंगे ना, अंदर का ये निकालने के लिए ये माइनस होगा ना, तो ये 28 हो गया, अंदर वाला 28 हो गया। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 × 28। फिर एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो आपके चाहे रेक्टेंगल बन रहा है चाहे स्क्वायर बन रहा है, मेथड यही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी बन रहा है आप फॉर्मूला चेंज कर लो। रेक्टेंगल बन रहा है, फिगर को ध्यान से देखो, रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का अप्लाई करो।